कटिहार में गंगा कटाव से अपना घर जमीन सब कुछ खोने के बाद पिछले 5 सालों से पीड़ित प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं दी जा रही। आपको बता दें कि गंगा किनारे बसे ग्रामीणों की जमीन और खेत सब कुछ गंगा के कटान में बह गए थे, जिसके बाद से ही ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने पर किलोमीटर की पद यात्रा कर पूर्णिया कमिश्नर को अपनी मांगों के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं इस प्रदर्शन में लगभग 10,000 लोग शामिल हैं। कि हम लोग पिछले 5 वर्षों से पुनर्वास और कटाव का स्थायी समाधान के लिए लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, नाकेबंदी, जेल भरो आंदोलन, लाठी खाने के बाद भी अभी तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुआ है। तब हार के हम लोग आज पदयात्रा कर रहे हैं और ये पदयात्रा मनिहारी गंगा घाट से पूर्णिया कमिश्नर के यहाँ तक है। ये 60 किलोमीटर का है। इसमें हमारा एक चेतावनी भी है पदयात्रा के साथ साथ। संख्या करीब 10,000 से ऊपर की होगी, विस्थापित रहेंगे और भूमिहीन रहेंगे, और हमारा एक ही चेतावनी होगा कमिश्नर मैडम के पास जो जा रहे हैं कि अगर 3 महीने के अंदर हमको जमीन नहीं दिया गया, कटाव का स्थायी समाधान नहीं हुआ, तो आगामी 2019 आने वाले चुनाव में न सिर्फ हम वोट का बहिष्कार करेंगे बल्कि कटिहार में किसी भी नेता को हम यहाँ पे उतरने नहीं देंगे, प्रचार प्रसार नहीं करने देंगे। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगर उन्हें रहने के लिए जमीन नहीं दी गई तो वह इस बार मतदान भी नहीं करेंगे और ना ही किसी नेता को आने देंगे। देखना होगा कि प्रशासन की ओर से इनकी मदद कब तक की जाती है। पंजाब केसरी के लिए कटिहार से रितेश रंजन की रिपोर्ट।